आपको बता दें कल राजस्थान और तेलंगाना में वोटिंग खत्म होते ही कई एग्जिट पोल जारी हुए हैं। इसके रुझान बीजेपी को डराने वाले हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। राजस्थान में जहां बीजेपी की सरकार जाती दिख रही है, वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में त्रिशंकु विधानसभा के आसार दिख रहे हैं। दी न्यूज के महा एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 112 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 108 और अन्य को 10 सीट मिल सकती है। 230 सदस्यों की मध्य प्रदेश विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस को 107 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 81 और अन्य को 11। 200 सदस्यों की राजस्थान विधानसभा में 199 सीटों पर चुनाव हुए थे और बहुमत का आंकड़ा 100 है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 42 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 43 और अन्य को 5। 90 सदस्यों की छत्तीसगढ़ विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। तेलंगाना में बीजेपी को 5, कांग्रेस गठबंधन को 36, टीआरएस को 70, जबकि अन्य को 8 सीट मिल सकती है। 119 सदस्यों की तेलंगाना विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 60 है। वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट को 19, कांग्रेस को 14 और अन्य को 7 सीट मिल सकती है। 40 सदस्यों की मिजोरम विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 21 है। मिजोरम में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है।